हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो से हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो इस वीडियो में मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ या डेंगू के बारे में या फिर इसके ट्रांसमिशन के बारे में, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से ली है, मैंने CDC से ली है, ठीक है, सेंटर फॉर डिजीज ऑफ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने CDC से ली है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन से। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगी, वहाँ पे आप इसके साइट पे जाके डायरेक्ट देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दूंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेंगू के बारे में, जैसे कि डेंगू क्या है। एक डेंगू वायरस, जैसे कि किसी को जानते हैं कि मॉस्किटो बाइट कर देता है तो उसी से लोगों को क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है ना। तो डेंगू वायरस आर स्प्रेड टू पीपल थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज स्पीसीज मॉस्किटो। तो डेंगू वायरस जो होता है वो लोगों में फैलता है, कैसे फैलता है, वो मॉस्किटो के बाइट से फैलता है। तो ये कैसा मॉस्किटो होता है, ये एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है जिसका नाम है एडीज स्पीसीज, या कह सकते हैं आप एडीज स्पीसीज का ये मॉस्किटो होता है। और ये कैसा होता है, इन्फेक्टेड होता है। किससे इन्फेक्टेड होता है, ये डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होता है। दिस मॉस्किटोज आल्सो स्प्रेड जीका चिकुनगुनिया एंड अदर वायरसेस। ये जो मॉस्किटो है, जीका वायरस है, ये चिकुनगुनिया है, ये दूसरे वायरसेस को भी स्प्रेड करते हैं डेंगू के अलावा। ये कौन सा वायरस है, एडीज स्पीसीज का। डेंगू इज कॉमन इन मोर देन 100 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो 100 कंट्रीज दुनिया की जो है उसमें डेंगू बहुत ही कॉमन है। 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अबाउट 3 बिलियन पीपुल ले लाइफ इन एरियाज विद रिस्क ऑफ डेंगू। मतलब कि समझ सकते हैं आप कि 3 मिलियन पीपुल लगभग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर डेंगू का रिस्क होता है। डेंगू इज ऑफन अ लीडिंग कॉजेज ऑफ इलनेस इन एरियाज विद रिस्क। ईच ईयर अप टू 400 मिलियन पीपुल गेट इन्फेक्टेड विद डेंगू। अप्रोक्सिमेटली 100 मिलियन पीपुल गेट सिक फ्रॉम इन्फेक्शन एंड 22,000 डाई फ्रॉम सीवियर डेंगू। तो लगभग हर साल 400 मिलियन पीपल इससे इन्फेक्टेड होते हैं, जिसमें से 100 मिलियन पीपल सिक हो जाते हैं इस इन्फेक्शन से, और 22,000 पीपल डाई हो जाते हैं जब उनको डेंगू बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्ट कर देता है, या बहुत ज़्यादा ही ये खतरनाक हो जाता है। डेंगू इज कॉल्ड बाई वन ऑफ एनी 4 रिलेटेड वायरसेस, डेंगू वायरस 1, 2, 3 एंड 4। फॉर दिस रीजन ए पर्सन कैन इन्फेक्टेड विद डेंगू वायरस एज मेनी एज 4 टाइम इन हिज और हर लाइफ टाइम। डेंगू क्या है कि डेंगू के वायरस कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हमें बताया। तो अगर किसी पर्सन को डेंगू हो गया है तो उसको मतलब कि अभी 3 बार और डेंगू हो सकता है, क्योंकि डेंगू के 4 अलग अलग वायरस होते हैं। हम देखते हैं कि डेंगू कैसे ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो की बाइट से। ट्रांसमिशन थ्रू मॉस्किटो बाइट। डेंगू वायरस आर स्प्रेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड एडीज स्पीसीज मॉस्किटो। दीज आर द सेम टाइप ऑफ मॉस्किटो एज द जीका चिकुनगुनिया वायरस। तो डेंगू वायरस कैसे स्प्रेड होता है, मॉस्किटो की बाइट से। कैसे मॉस्किटो, एडीज स्पीसीज का मॉस्किटो, ये मॉस्किटो डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होता है। तो जो मॉस्किटोज, जैसे कि एडीज स्पीसीज के मॉस्किटो जो होते हैं वो डेंगू वायरस को स्प्रेड करते हैं, लेकिन वो वायरस मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड होने चाहिए डेंगू वायरस से। ये जीका चिकुनगुनिया को भी फैलाते हैं, इसे मैंने बताया था। दिस मॉस्किटोज टिपिकली ले एग्स नियर स्टैंडिंग वाटर इन कंटेनर्स दैट होल्ड वाटर लाइक बकेट, बोल्स, एमिनियर डिशेज, फ्लावर पॉट्स एंड वेसेस। मतलब ऐसे वाटर जो कि स्टैंडिंग होते हैं, रुके हुए पानी हुए होते हैं, जैसे बाउल्स में हो गए, या डिशेज में हो गए, या बकेट में हो गए, या फ्लावर पॉट्स में हो गए, ऐसे जो वाटर होते हैं रुके हुए, वहाँ पर ये अपने एग को ले करते हैं। दिस मॉस्किटो प्रिफर टू बाइट पीपुल एंड लाइक बोथ इंडोर एंड आउटडोर नियर पीपुल। तो मतलब ये पीपुल्स को जो मॉस्किटो क्या कहते हैं, बाइट करते हैं, इंडोर भी कर सकते हैं और आउटडोर भी कर सकते हैं। मॉस्किटो डैट स्प्रेड डेंगू चिकुनगुनिया बाइट ड्यूरिंग द डे नाइट। तो जो मॉस्किटोज हैं जो कि डेंगू चिकुनगुनिया या जीका वायरस को, जीका वायरस को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, ये डे और नाइट में ही बाइट करते हैं। मॉस्किटोज बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे बाइट अ पर्सन इन्फेक्टेड विद द वायरस। इन्फेक्टेड मॉस्किटोज कैन देन स्प्रेड द वायरस टू अदर पीपल थ्रू बाइट। तो जैसे कि कोई पर्सन है जो कि डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड है, ठीक है, अगर मॉस्किटो कोई है उसको आगे बाइट कर लेता है तो वो मॉस्किटो भी तब उसी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर वो मॉस्किटो जाकर किसी और पीपल को बाइट करेगा तो वहाँ पर वो वायरस वो स्प्रेड कर देगा, उसको बाइट के थ्रू उसके बॉडी में वायरस को इंजेक्ट कर देगा। अब हम देखते हैं कि मदर से बेबीज में कैसे ये डेंगू वायरस जा सकता है।
फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. ए प्रेगनेंट वुमन ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद डेंगू कैन पास द वायरस टू हर फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ. तो एक मदर है जो कि डेंगू वायरस इन्फेक्टेड है, तो अपने फीटस को, अपने बच्चे को जिसको इसके पेट में इस वक्त है, उसको वो क्या कर सकता है, वायरस दे सकती है. और टाइम टू बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मतलब कि बर्थ के टाइम पर भी वो उस वायरस को अपने बेबी को वो दे सकती है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर भी और बर्थ के टाइम पर भी. टू डेट देयर हैज बीन वन डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट ऑफ डेंगू स्प्रेड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क. मतलब कि अभी तक एक ही रिपोर्ट ऐसी आई है कि डेंगू जो है ब्रेस्ट मिल्क से स्प्रेड हुआ हो. इसके नाम देखते हैं थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड लेबोरेटरी और हेल्थ केयर सेटिंग एक्सपोजर. रेयरली जो मैं बता रही हूँ बहुत ही रेयर होता है कि डेंगू स्प्रेड हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए से, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जरिए से, या फिर नील या स्टिक इंजरी की वजह से, नील स्टिक इंजरी की वजह से, मतलब लेबोरेटरी में या फिर ब्लड इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से. इस बहुत रेयर होता है कि इसकी वजह से डेंगू स्प्रेड हो.